तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के पीछे काफ़ी सारी रीज़न हो सकती हैं, वो तो आपको ही पता है। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने लगते हो तो आप में से बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कोई इसको परमानेंटली डिसेबल कर बैठते हैं एंड आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट वहीं का वहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। सो हे व्हाट्सअप, दिस इज हसन एंड यू आर वॉचिंग गेट टेक। ऑलराइट सो गाइस, अभी आप इस साइड पे देख सकते हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपने कौन से स्टेप को फॉलो करना है एंड कैसे हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट। तो गाइस यहाँ पर आपने आ जाना है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। नेक्स्ट आपने जाना है यहाँ पर आपको राइट साइड पे टॉप कॉर्नर आपको थ्री लाइन्स देखने को मिली, आपने वहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने जाना है नीचे सेटिंग्स में। एंड अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में देखो आपको कोई भी डिलीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है यहाँ पर आपने सिंपली जाना है हेल्प पे एंड यहाँ पर भी आपको कोई भी डिलीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इवन के नेक्स्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने करना क्या है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो जैसे ही आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करते हो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा एक ब्राउजर पर। मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ गूगल क्रोम। तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज कर लेनी है इंग्लिश। तो अगर आप कोई और यूज़ करना चाहो सो यू कैन यूज़ इट। राइट तो गाइस अभी आप यहाँ पर देखो मेरा अकाउंट इंग्लिश में हो चुका है। अभी मैं यहाँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर चूज करना है मैनेज योर अकाउंट। इंस्टाग्राम फीचर के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा मैनेज योर अकाउंट, आपने वहाँ पर क्लिक करना है। तो पहले क्या होता था कि अपडेट से पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता था डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कहीं पे भी डिलीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इवन आप इसको अकेले अकेले को रीड भी कर लो, इवन मैंने खुद किया है लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी डिलीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर ऊपर सर्च पर लिखना है डिलीट योर अकाउंट। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ सजेशन देखने को मिल रही हैं, तो आपने यहाँ पर करना है डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक। ऑलराइट तो यहाँ पर अभी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हाउ डू आई टेम्परेली डिसेबल माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ डू आई एक्सेस और रिव्यू माई डेटा ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है, हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिलीट योर अकाउंट, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है डिलीट योर अकाउंट। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको वंस अगेन आपका अकाउंट को करना पड़ेगा लॉग इन। तो गाइस एक्चुअली मैं यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन कर चुका था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इसने लॉगिन का दोबारा नहीं पूछा, लेकिन आपसे लॉगिन का दोबारा से पूछा जाएगा। आपको अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड लेके दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास डायरेक्टली कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा डिलीट योर अकाउंट का एंड यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों आप डिलीट करना चाह रहे हो अपना अकाउंट, व्हाई डू यू वांट टू डिलीट। एंड नेक्स्ट मेरा जो यूजर नेम लिखा रहा है इंस्टाग्राम का, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको कोई सी भी एक रीज़न देनी है इनको, आप यहाँ पर कोई से भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सपोज टू बिजी टू डिस्ट्रैक्टिंग एंड करके यहाँ पर आपको यहाँ पर वंस अगेन आपका पासवर्ड टाइप करना है एंड इसके बाद आपने क्लिक करना है डिलीट। इसके बाद आपका अकाउंट इंस्टाग्राम से डिलीट हो जाएगा।